केंद्र सरकार पर जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के सदस्य सुशील कुमार ने। केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी है, ऐसा कहना है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य सुशील कुमार का। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता से बेदखल करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और हम सब इस उद्देश्य को लेकर पूरे देश में जन आंदोलन कर रहे हैं। सुशील कुमार जी, सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाने और उसे सत्ता से उतारने के लिए की जा रही कोशिशों को बताने के लिए मुंबई आए थे। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान पिछले साल 2022 के अगस्त महीने में शुरू हुआ है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि इस देश की जो एक व्यवस्था चल रही है, राजनीति चल रही है, वो भारत के संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया के बिल्कुल विरुद्ध में ये जा रहा है ये देश, तो उसको संभालने के लिए एक मंच बना है जिसके राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, जो पूर्व JNU के प्रोफेसर भी रहे हैं, वहाँ के यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है। और उसके बाद से देश में इस जो वर्तमान सरकार चल रही है, इस सरकार को हम लोग जन विरोधी राष्ट्र विरोधी मानते हैं। इनको मान करके देश भर में इसके खिलाफ एक वातावरण बने और अगले 2024 के चुनाव में इसको परास्त किया जाए, इसके लिए पिछले अगस्त से प्रयास चल रहा है। अभी तक 5 स्टेट में राज्य स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं, वहाँ से फिर जिलों में और कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये काम हमारा चल रहा है। अभी तक देश भर के 36 लोकसभा क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। महाराष्ट्र में इस अभियान से जुड़े जैन दीवान कहते हैं कि इस समय महात्मा गांधी, जयप्रकाश और विनोबा भावे के सिद्धांतों को बचाना एक चुनौती सी हो गई है। हमारे देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्र स्तर पर एक प्रक्रिया शुरू है जिसका नाम है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान। उसी की प्रांत माने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आज यहाँ हुई। मुख्य रूप से उसका मुद्दा था कि 2024 की जो चुनौतियाँ हैं, लोकसभा के चुनाव है, उसकी चुनौतियाँ क्या है और उस चुनौतियों को हम किस तरीके से फेस करेंगे, उसके बारे में हम किस तरीके से लोगों में जाकर काम करेंगे ताकि ये जो लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, इससे इस देश को हमें बाहर निकालना है। कौमी एकता की सवाल सबसे बड़ा है, इस कौमी एकता को टिकाए रखना है और हमारी जो विरासत है, आज़ादी आंदोलन के मूल्य जो हैं, गांधी, JP, विनोबा, इनके जो मूल्य हमें मिले हैं, इन मूल्यों को टिकाए कैसे रखेंगे, इस पर की एक लंबी बातचीत दिन भर की आज मुंबई में हमने की। देश में राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी चुनौतियों को देखते हुए 2024 के चुनाव में देशवासियों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसे समझाने के लिए ज्ञानेंद्र कुमार, वासंती दिघे के अलावा वरिष्ठ पत्रकार जतिन देसाई, सोशल एक्टिविस्ट फिरोज मीठी बोरवाला के साथ ही पत्रकारिता और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े लोग मौजूद थे। ये बैठक जनता केंद्र ताड़देव मुंबई सेंट्रल में शनिवार को आयोजित की गई थी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।